नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। पीएमसी बैंक कांड ने फिर ताजा कर दी नोटबंदी की टीस। मुंबई समेत कई इलाकों में मची भगदड़। पीएमसी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक द्वारा बढ़ती गई अनियमितताओं के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कार्रवाई करते हुए पीएमसी के अगले 6 महीने तक वित्तीय लेनदेन पर प्रतिबंध लगाए जाने के चलते अचानक बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को मैसेज भेजकर 6 महीने में 1000 रुपये की निकासी की सूचना दिए जाने के बाद बैंक की कई शाखाओं में हालात खराब हो गए। ग्राहक अपने पैसों के लिए चिंतित दिखाई दिए, वहीं लोगों ने अपने पैसों के डूब जाने का डर सताने लगा, जिसके बाद मुंबई समेत कई क्षेत्रों में बैंकों की ब्रांच में माहौल तनावपूर्ण हो गया। कई जगह तो तोड़फोड़ की किए जाने की बात सामने आई। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहना है लोगों का। पेश है तारिक शेख के साथ यूसुफ अली की स्पेशल रिपोर्ट। आरबीआई ने इनके ऑडिट के दौरान कुछ इरेगुलरिटीज पकड़ा है, टेक्निकल इरेगुलरिटीज है, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। 35 में कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, उसको करेक्शन 1 महीने में करें, 2 महीने में करें, 3 महीने में करें, मैक्सिमम 6 महीने के अंदर को रिवाइवल करके लेना है। और दूसरी बात, 1000 रुपया पर डे निकाल सकते हो। अच्छा ठीक है, तो है ये प्रॉब्लम तो है, क्योंकि नाराज बारह में मैक्सिमम लोगों का अकाउंट पीएमसी बैंक में है, क्योंकि ये 12-12 घंटा काम करती है, 7 डेज काम करती है, 365 से 2 या 3 दिन बंद रहती है, इसलिए मैक्सिमम अकाउंट इस एरिया में पीएमसी बैंक 4-5 लाख तो ये वही पड़ी है। मैं क्या करूँ? आपने बैंक मैनेजर से बात की? मैं कोई ना कमाई हो बोला, 6 महीने पर तो मैं खाऊँ क्या, मेरा पैसा चाहिए। और किसको बोलना है? मेरा निकाल लो ने, पैसा निकाल लो ने। वो इंटरेस्ट से खाती है उसके? नहीं, इंटरेस्ट से खाती है। मेरा पति नहीं है, मेरा चोपड़ा नहीं है, कोई लड़का नहीं है, कोई नहीं है। कितने साल से आपको पैसा यहाँ पे पड़ा है? पैसा कितने साल से जमा कर? 6 महीना हुआ और खाता में अभी नाला अनाला में बात बची है यार, और 15000 पहले आए, मैं क्या करूँ भैया? सर ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, आज से 10 या 15 साल पहले फिर से कांदिवली ब्रांच में भी सेम ऐसा ही हुआ था, ब्रांच बंद हुआ था, फिर 4 महीने बाद फिर चालू हुआ, 4-5 महीने बाद, तो भी ये लोग सुधरे नहीं कि मतलब कि हम जो कर रहे हैं कि फिर से आरबीआई गाइडलाइंस प्रॉपर फॉलो करो, लेकिन ये लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। आरबीआई कोई भी आ रहा है, अकाउंट ओपन कर रहा है, कोई भी वो कर रहा है, केवाईसी बराबर नहीं कर रहे हैं। यदि आप आरबीआई का और गाइडलाइंस नहीं फॉलो करोगे तो सेम ऐसे ही होने वाला है। यार ब्रांच में कितने लोगों का पैसा बाकी है, अभी आंटी का कितना पैसा बाकी है, चाहे जो डिपॉजिटर हैं, ये लोग कैसे निकलेगा पैसा? पटे नहीं करेगा। अभी भी आया हूँ यहाँ पे, पता चला मुझको भी मेरा भाई का अकाउंट है, मेरा अकाउंट है, तो अब 135 है, अब क्या आरबीआई ने रूल निकाला उसे अपने पता नहीं। क्या इससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि पीएमसी बैंक का कोई भी बड़ा अधिकारी आवे यहाँ पे, तो पब्लिक को अच्छी सलाह दे कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो उन लोगों को भी संतुष्टि हो जाए उस चीज़ की। मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये बैंक अगर बंद हुई तो इसका जिम्मेदार कौन है, खाता धारक है या बैंक है? बैंक ही रहेगा ना, आरबीआई भी जिम्मेदार है और ये भी बैंक वाले भी जिम्मेदार है इसकी। क्या इससे पहले आपको कितना दिन पहले इनको इन्फॉर्मेशन दिया गया था? किसी को इन्फॉर्मेशन ही नहीं। तो आपको कैसे पता चला? जैसे सब यहाँ पे शोर हुआ, अकाउंट ब्लॉकेज हो गए या एटीएम पे जो निकालने गए पैसे नहीं निकले, सबसे आने लगा। मेरा नाम लोकेश मिश्रा है, मेरा यहाँ अकाउंट है पीएमसी बैंक में, मेरा 1 लाख रुपए जमा है, और आज सुबह मुझे मैसेज आया कि ये बैंक 6 महीने तक की रुपये आपको देगी नहीं, बस आप 6 महीने में सिर्फ 1000 रुपये निकाल सकते हो, वो भी बाई चेक, और क्रेडिट कार्ड बैंक ऐप पूरा बंद हो चुका है। यहाँ बहुत से लोगों का 40-50 लाख रुपये तक पर अकाउंट में है, लेकिन बैंक वाले कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि 6 महीने बाद ही आप पैसा निकाल सकते हो। प्लस इसके बाद ये ब्रांच जो नाला सुपारा है सेंट्रल पार्क में, इसमें टोटल 25,000 अकाउंट हैं, वो भी मुझे लगता है कि जितने भी अकाउंट हैं उसमें से आधे से ज़्यादा फर्जी अकाउंट है, जो भी रेंटेड लोग का है, बराबर डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है इसके। ऐसा मुझे लगता है कि आरबीआई जो इनके ऊपर फाइन लगाया हुआ है, बैंक बंद किया हुआ है, आरबीआई का गाइडलाइंस लोग नहीं फॉलो करते हैं, इसके लिए ऐसा है।
आज ये हुआ है कि बैंक आज बंद करने के कगार पे है। इससे पहले क्या कोई आपको लेकिन सूचना मिली थी? नहीं, इसके पहले मुझे कोई भी सूचना नहीं दी थी। आज सुबह 9 बजे मोबाइल पे मैसेज आया हुआ था, आपका 6 महीने तक अकाउंट से आप एक लेन देन नहीं कर सकते हो, सिर्फ 6 महीने में सिर्फ आप एक बार बाय चेक 1000 रुपया निकाल सकते हो।